हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जनरल नॉलेज जीके की एक वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले मोर अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, दो टाइप के आउटपुट डिवाइसेस इनमें से कौन से है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी, कीबोर्ड एंड माउस, विंडोज 2000 एंड विंडोज एनटी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सही राइट है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। माउस टेक्निक यूज फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, माउस की जो टेक्निक्स यूज होती है ताकि हम किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट तक पहुँच सके, वो कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्टिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से है राइट क्लिकिंग। उसके बाद में, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स लाइन प्रेस, आपको टैक्स लाइन पर पहुंचने के लिए आपको प्रेस करना होता है, होम को, पेजअप को, या इंटर को, या नॉन ऑफ दिस को। तो इसका राइट आंसर है होम। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन से है? तो इसमें गाइस ऑप्शन है माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड और माउस। टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेस, ये देखने के लिए कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिवाइस यूज़ करता है, वो कौन सा ऑप्शन होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। इसके बाद में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड क्या होती है? तो प्रिंट, इनपुट और टाइप। तो इसका आंसर है इनपुट। उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्रिंटर एंड मॉनिटर मतलब ए एंड बी। इसके बाद गाइस क्वेश्चंस है, द जनरल मेथड फॉर द इनपुट टू द टेक्स्ट, जनरल मेथड जो इनपुट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए कंप्यूटर के अंदर इज, वो क्या है? तो इसके ऑप्शन है गाइस कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लेटर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर राइट रहेगा कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू व्यू, आउटपुट डिवाइस की वजह से पॉसिबल होता है कि हम देख सके, क्या देख सके? व्यू एंड प्रिंट द डेटा, कि हम प्रिंट और व्यू कर सकते हैं, डेटा को स्कैन कर सकते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं, डेटा को सेंडिंग कर सकते हैं, डेटा को, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है व्यू एंड प्रिंट द डेटा। इसके बाद बता रहे गाइस, हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है इज प्रिंटेड ऑन द प्रिंट, वो प्रिंटेड होती है प्रिंट के ऊपर, या स्टोर होती है फ्लॉपी डिस्क में, या स्टोर होती है सीडी में, या स्टोर होती है हार्ड डिस्क में, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटेड ऑन प्रिंट। इसके बाद क्वेश्चन से 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव द ओनली इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन से फॉलोइंग में ग्रुप है इनपुट डिवाइस का? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। इसके बाद क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन से ग्रुप में आउटपुट डिवाइसेस है? जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लेटर और प्रिंटर और मॉनिटर। उसके बाद में बोलता है, एनी डेटा इंस्ट्रक्शन इंटर इन द मेमोरी, कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन जो इंटर होती है मेमोरी में और कंप्यूटर में इज, वो क्या होती है? या स्टोरेज होती है, या आउटपुट होती है, या इनपुट होती है? तो वो इनपुट होती है। उसके बाद में है, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, हमें नंबर पैड एक्ट करने के लिए डायरेक्शनल एरो कौन सा होता है, वो हम कौन सा मतलब डायरेक्शनल एरो दबाते हैं? तो एक नम लॉक है, एक कैप्स लॉक है, एक एरो लॉक है, या शिफ्ट है? तो आंसर है इसका शिफ्ट।